मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारी आइटम है दैट इज पेटी एक्सपेंसेस, इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। अगर ब्रांच को ऑथराइज करता है हेड ऑफिस कि वो पेटी एक्सपेंसेस इनकर कर सकता है, तो उस केस में जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को एक फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ भेज देता है, और उस अमाउंट में से जो ब्रांच है वो पेमेंट करता है अपने पेटी एक्सपेंसेस के लिए। तो जो ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है पेटी कैश का, वो आप डेबिट और क्रेडिट साइड पर ब्रांच अकाउंट के शो कर देते हैं। जो ओपनिंग बैलेंस है उसे आप डेबिट साइड पर शो कर देते हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे आप क्रेडिट साइड पर शो कर देते हैं। यहाँ पे इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी आपने एक्सपेंस किया है, पेटी एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं, उनको हम शो नहीं करते हैं ब्रांच अकाउंट में। क्योंकि जब हम ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं और लास्ट में हम क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर हमें पेटी कैश का जो बैलेंस है वो दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 1500, और क्लोजिंग बैलेंस जो हमें दिया हुआ है दैट इज 1100। और यहाँ पर आपने, अगर हम इसको देखें कि कैसे इसकी ट्रीटमेंट हमने की है, अगर हम इन जर्नल देखें तो अगर ओपनिंग बैलेंस 1500 है और क्लोजिंग बैलेंस 1100 है, तो इट मीन्स 1500 माइनस 1100, 400 का आपका जो है पेटी एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं। यहाँ पर हम इसको शो कैसे कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस हमने शो कर दिया 1500 और क्लोजिंग बैलेंस हमने शो कर दिया 1100, बस इतना ही इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट हम दें। देन नेक्स्ट जो इसका मेथड आता है दैट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम पेटी एक्सपेंसेस के अगर के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, हम उस सिस्टम को इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं जहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट एडवांस में ब्रांच को दिया जाता है इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ पेटी एक्सपेंसेस को इंकर करने के लिए। ब्रांच जो है उस अमाउंट में से पेटी एक्सपेंसेस अपने इंकर करती है, एट द एंड ऑफ द मंथ वो हेड ऑफिस को सबमिट करती है कि ये खर्चा उसने किया है, टोटल एक्सपेंसेस इतने इंकर हुए हैं। तो जो हेड ऑफिस है जितना भी उसने एक्सपेंसेस इंकर किया है ब्रांच में उसको वो रिमिट कर देती है, ताकि जो बैलेंस है अगेन नेक्स्ट मंथ के लिए उसका सेम बैलेंस बन जाए। सपोज जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर 1800 रुपीज एडवांस दिए गए ब्रांच को हेड ऑफिस ने दिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और ब्रांच ने 370 रुपीज उसमें से स्पेंड कर लिए पेटी एक्सपेंसेस के ऊपर ड्यूरिंग द मंथ। तो जब ब्रांच है, जब हेड ऑफिस को ब्रांच अकाउंट सबमिट करवाएगी कि 370 उसके कहाँ उसने स्पेंड किए हैं, तो जो हेड ऑफिस है वो 370 रुपीज उसे रिमिट कर देगा, जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को 370 रुपीज दे देगा। तो अगेन उसके पास कितने हो जाएंगे, 1800 रुपीज हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। इसी को हम इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। तो इसमें हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं देखते हैं हम। पहला, अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम जो ओपनिंग बैलेंस है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर। जो अमाउंट है आपकी पेटी एक्सपेंसेस की, जो भी इंकर ब्रांच ने की है, हेड ऑफिस उसे रिमिट कर देगा, तो सेम को हम पोस्ट कर देते हैं डेबिट साइड पर ब्रांच अकाउंट की, ताकि जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस है उनका जो अमाउंट है वो सेम रहे। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में जैसे कहाँ किया, कैसे किया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि पेटी एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ब्रांचेस, ब्रांच इज अलाउड टू मेंटेन पेटी कैश बैलेंस ऑफ 4000 रुपीज ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में, पेटी कैश का बैलेंस दिया गया है आपको ओपनिंग 4000। उसके बाद इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ऑथर में क्या गिवन है। एक्सपेंसेस पेड बाय दी ब्रांच हमें गिवन है 3500, और ये एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस गिवन है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पेटी कैश जो लिखा है ओपनिंग बैलेंस 4000 लिखा है, और क्लोजिंग बैलेंस भी हमने 4000 लिखा है, जबकि हमें यहाँ पर कहीं भी क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का गिवन नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि जो पेटी कैश बैलेंस है 4000 का आप मेंटेन कर रहे हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है दोनों आपका सेम रहेगा, और जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं ब्रांच ने उसे हम डेबिट साइड पर शो कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट पेटी एक्सपेंसेस 3500 हमने शो कर दिया, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपका
सेम रहा। तो इस तरीके से पेटी कैश को आप ट्रीट करते हैं अंडर इम्प्रेस सिस्टम। क्या चीज़ है, क्या फॉलो होना है, क्या फॉलो नहीं होना, वो तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अगर इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करना है तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों का सेम रहेगा और जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं उन्हें आप डेबिट साइड पर लिख देंगे। अगर इम्प्रेस सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस जो आता है पेटी एक्सपेंसिस माइनस करके आप क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ लायबिलिटीज। जैसे हम ओपनिंग बैलेंस शो करते हैं एसेट्स का डेबिट साइड पर और क्लोजिंग बैलेंस शो करते हैं क्रेडिट साइड पर ब्रांच अकाउंट के, सेम तरीके से जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है लायबिलिटी का उसे हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पर और जो क्लोजिंग बैलेंस है लायबिलिटीज का उसे हम शो करेंगे डेबिट साइड पर। एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ लायबिलिटी को देखेंगे इन्होंने कैसे ट्रीट किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो हमें लायबिलिटीज गिवन है, क्रेडिटर्स एट ब्रांच गिवन है हमें, ओपनिंग बैलेंस, देन हमें गिवन है क्रेडिटर्स का देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। हमें यहाँ क्लोजिंग बैलेंस गिवन क्रेडिटर्स का नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को हम पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लेते हैं। आर लिमिटेड हैड अ हेड ऑफिस इन मेनी रिटेल ब्रांचेस, गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांचेस एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस। ये एक मेथड जो हमने इस ऊपर भी किया है, जो हमने पिछले अपने लेक्चर्स में किया है कि जो इनवॉइस प्राइस पर अगर गुड्स सेल हो रही हैं तो वो आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस है या प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस है। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस है। तो स्टॉक रिजर्व जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। देन है अकाउंट्स आर कैप्ट एट हेड ऑफिस एंड फ्रॉम वेयर ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस आर पेड। सच पेटी एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ब्रांचेस व्हिच आर अलाउड टू मेंटेन अ पेटी कैश बैलेंस ऑफ 1500 ऑन इम्प्रेस सिस्टम। क्लियरली मेंशन है इम्प्रेस सिस्टम फॉलो हो रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। क्या क्या गिवन है हमें, बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 1999, पेटी कैश इन हैंड एट ब्रांच, स्टॉक इन हैंड एट ब्रांच, डेप्टर्स एट ब्रांच, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हो गई, फर्नीचर एट ब्रांच एंड प्रीपेड रेंट अप टू 30 जून 1998। हम अकाउंट्स जो हैं कब क्लोज करते हैं, 31 मार्च को क्लोज करते हैं। तो ये अप टू 30 जून 1998 गिवन है और ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1999 है। इसका मतलब जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं वो 31 मार्च 1999 के लिए बना रहे हैं। तो ये पीरियड शुरू कहाँ से हुआ होगा, 1 अप्रैल 1998 से। तो ये जो प्रीपेड रेंट है आपका जून का, अप टू जून आपने पे किया गया है। इसका मतलब कि अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का आपका ऑलरेडी जो है पिछले साल में वो प्रीपेड था। तो सबसे पहले हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं आपके ब्रांच अकाउंट में। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। तो हमने पेटी कैश, स्टॉक, डेप्टर्स, फर्नीचर और प्रीपेड का जो बैलेंस है वो यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमें क्रेडिटर्स का बैलेंस भी गिवन है। क्रेडिटर्स जो हमारी है वो लायबिलिटीज हो गई तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैलेंस भी दी क्रेडिटर्स आ गया। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट आइटम जो हमें गिवन है दैट इज ट्रांजेक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1999 में, गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस 1,24,000, लॉस इन ट्रांसिट एट इनवॉइस एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। अब यहाँ पर उससे पहले एक चीज देखिए, डेब्टर्स एट ब्रांच गिवन है, क्रेडिटर्स एट ब्रांच गिवन है। इसका मतलब हमें डेप्टर्स जो है अकाउंट बनेगा हमारा, ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट बनेगा और ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनेगा। यहाँ पे गुड्स रिसीव बाय द ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस गिवन है तो 1,24,000 आ गया। लॉस इन ट्रांसिट एट इनवॉइस है मतलब गुड्स हेड ऑफिस ने तो भेजी है लेकिन वो लॉस हो गई इन ट्रांसिट, तो लेकिन स्टिल हेड ऑफिस ने तो भेजी है। तो 124 + 1,000 दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे अमाउंट लिखें। तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,24,000 + 1,000 1,25,000 हो गया। और हमें डेप्टर्स का गिवन है अमाउंट तो हमारा ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट में हमने बैलेंस डेप्टर्स का हम लिख रहे हैं, बैड डेप्ट हमें गिवन था 200, बैलेंस जो हमें डेप्टर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन था यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस डेप्टर्स का
लिखा है, बाय बैड डेब्ट्स लिख दिया हमने, ये एंट्री हो गई। देन नेक्स्ट जो हमें चीज गिवन है दैट इज परचेजेस बाय ब्रांच ऑन परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। जैसे कि हम मैंने पहले कहा कि हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेम तरीके से जैसे हम डेप्टर्स अकाउंट बनाते हैं, डेप्टर्स के लिए हम तीन अमाउंट्स निकालने चाहिए हमें होती है ब्रांच अकाउंट में, दैट इज ओपनिंग बैलेंस हमारा हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो गया और कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स हो गया। सेम तरीके से हम सेम लाइन पर ब्रांच के क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं जहाँ पे हमें उसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जानना होता है और जो पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को दी वो हमें यहाँ पे पता चलती है। अगर पेमेंट्स नहीं पता चलेंगी तो आपको जो परचेजेस हैं वो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में परचेजेस का अमाउंट तो हमें लिखना नहीं होता है ब्रांच अकाउंट में। तो जो हमारी तीन आइटम्स क्रेडिटर्स अकाउंट में होती है दैट इज ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और जो पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को की है। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा है क्रेडिटर्स का, जो आपका कैश पेमेंट या जो अभी हमने आइटम्स देखी कि कैश परचेजेस आपने की इतनी की, क्रेडिट परचेजेस आपने की कितनी की और कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये आ गया आपका, यहाँ पर हमने लिख लिया परचेजेस क्रेडिट में आपने कितने की, दोनों को बैलेंस करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डेप्टर्स का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें आइटम गिवन है दैट इज पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने कौन कौन सी पेमेंट की है। रेंट फॉर द ईयर 1 जुलाई 1998 के बाद का है, तो 1 जुलाई 1998 के बाद का रेंट फॉर ईयर है, ईयर मतलब आपने 12 मंथ्स के लिए पे किया है, इसका मतलब ये नेक्स्ट ईयर के 30th जून 1999 तक पे हुआ, लेकिन हमें सिर्फ इस ईयर का लिखना है। तो रेंट पेड में प्रीपेड रेंट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर हमने लिखा रेंट, यहाँ पर तो लिख रहे हैं हम पूरा जितना पे हमने किया है वही लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस में रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस, लेकिन उतना ही जब हम क्लोजिंग लिखेंगे बैलेंसेस, तो प्रीपेड रेंट में हमने 1800 इंटू 3/12 कर लिया, 3 मंथ्स का जो हमने एक्स्ट्रा पे किया वो हमारा एसेट हो जाएगा। तो प्रीपेड रेंट 1800 इंटू 3/12 हमने कर दिया तो 450 आ गया। नेक्स्ट जो हमारा है सैलरीज हमने लिख लिया, देन इंश्योरेंस पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 1999, मतलब ये भी जो हमारा है वो आपका प्रीपेड है। इंश्योरेंस यहाँ पे हमने अमाउंट देख लेते हैं हम 440, ये जो 440 है फॉर द ईयर है, जैसे 30th जून लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये भी आपका प्रीपेड है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी 440 इंटू 3/12 110 आपका जो है वो प्रीपेड हो गया। देन नेक्स्ट जो हमें अमाउंट गिवन है दैट इज कैश सेल्स एट ब्रांच, क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, कैश सेल्स एट ब्रांच हुई तो वो तो आपकी रिमिट आप एसेटेस कर दोगे, तो कैश सेल्स एट ब्रांच को हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कैश, जो आप रिमिट करेंगे हेड ऑफिस को, कैश सेल्स 1,00,600 की। देन आपका है क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, डेप्टर्स अकाउंट में जाएगा तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी हुई। देन है हमारा अलाउंसेस टू डेप्टर्स, डेप्टर्स अकाउंट में जाएगा, अलाउंसेस टू डेप्टर्स आ गया। देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स हमारा कितना है 38,000। तो एक तो ब्रांच अकाउंट में सीधा हमने लिख दिया कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स 38,000 और उसी को डेप्टर्स अकाउंट में भी लिखेंगे बैलेंस निकालने के लिए, तो रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स 38,000 आ गया। देन नेक्स्ट जो हमारे पास आइटम गिवन है दैट इज पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस मेड बाय ब्रांच दैट इज 200। अब जैसे हमने ऊपर बात की कि ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है इम्प्रेस सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो इन एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे नहीं, शो ही नहीं करेंगे, हम पेटी कैश का बैलेंस ओपनिंग 1500 दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस भी पेटी कैश का हम 1500 ही दिखाएंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा गिवन है दैट इज बैलेंस ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31st मार्च 1999। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हमें गिवन है एट कॉस्ट गिवन है स्टॉक 35,000, जबकि हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो मेथड कौन सा है, जब हेड ऑफिस गुड सेंड कर रहा है ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पर, और वहां पे इस मेथड में हमने क्लियरली बात की थी कि जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, गुड सेंड टू ब्रांच होगा या गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच होगा, ये चारों की चार आइटम्स आपकी इनवॉइस प्राइस पे लिखी जाएगी। इसका मतलब कि पहले हमें ये जो स्टॉक गिवन है कॉस्ट पे, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कॉस्ट पे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनवॉइस प्राइस पर। तो ये जो स्टॉक है एट कॉस्ट है 35,000। तो सिंपल सा हम यूनिट मेथड अप्लाई करते हैं कि अगर आप
कॉस्ट है 80। जैसे इससे पहले हम इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे गिवन है हमें क्वेश्चन में, सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांचेस एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस पर 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब कि अगर हमारा जो आपकी कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट अगर आपकी 80 है, तो आपका जो प्रॉफिट है 20% उसमें ऐड करके आपका सेल्स प्राइस हो।